हेलो बच्चास, कैसे हो आप लोग सब। दिस इज अर्जुन अख्तर फ्रॉम द टीम रेड 5 एंड हियर वी विल स्टडी सिविक्स ऑफ क्लास 6। वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ सिविक्स, दैट इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी, एज यू ऑल नो, डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, भिन्नता जिसको हम लोग कहते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलगाव, अलग होना, डिस्क्रिमिनेट होना, बायकॉट होना, ठीक है, कोई भी हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एज इन द प्रीवियस चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े थे डाइवर्सिटी के, आप लोगों को याद है, जिसमें लद्दाख और केरला के बारे में हमने पढ़ा था कि वो दोनों दूसरे से अलग होके ज्योग्राफिकल वाइज, पॉलिटिकल वाइज, अलग अलग सतह पे किस तरह से एक दूसरे से अलग थे बट स्टिल यूनाइटेड थे। डाइवर्सिटी क्या करता है, यूनिटी को बढ़ावा देता है, राइट। दे आर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, इन स्पाइट ऑफ सच डाइवर्सिटी वी आर स्टिल यूनाइटेड। हम लोग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस, अलगाव, हम सब एक दूसरे से बहुत भिन्न है, सब, हर कोई, इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ स्किन, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई टॉल है, कोई अच्छा है, कोई नहीं है, कोई इंडियन है, कोई अफ्रीकन है, कोई साउथ इंडियन है, सब तरह डाइवर्सिटी, बट उसके बावजूद हम सब यूनाइटेड है, एक है, हम सब एक दूसरे से जाकर कि दूसरे में बंदूक नहीं डालने रहते, नहीं मुझे तुमसे बात ही नहीं करना, नहीं तुम इस देश के नहीं, नहीं तुम मेरे जैसे नहीं दिखते हो, नहीं तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो, ऐसा तो हम नहीं करते, हम फिर भी साथ में रहते हैं, फिर भी अलग अलग है, फिर भी हम साथ हैं, ठीक है। लेकिन बट नाउ वी विल लर्न सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग गुड एस्पेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी क्या अच्छाई करता है वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग डाइवर्सिटी, डिफरेंस, अलगाव होने की वजह से, क्योंकि हम किसी से अलग हैं, हम क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं, हम पे क्या गलत प्रभाव होता है, या हमारे साथ क्या इनजस्टिस होता है, क्या गलत होता है हमारे साथ सोसाइटी में, कम्युनिटी में, आज हम लोग वो एस्पेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी का हमने एक गुड वाला चेहरा तो पढ़ लिया, आप सोसाइटी का एक थोड़ा बैड वाला चेहरा भी पढ़ते हैं कि डाइवर्सिटी, डिफरेंस किस तरह हमें अलग करता है, डाइवर्सिटी किस तरह हमें डिस्क्रिमिनेट करने पे मजबूर करता है, ठीक है, ये एक फैक्टर है। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे जो डाइवर्सिटी में अलग करता है हमें, दैट इज प्रीजुडाइस, ठीक है, PREJUDICE, प्रीजुडाइस। इसका मतलब बच्चों पहले आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। प्रीजुडाइस का मतलब होता है बिलीफ विदाउट बेसिस, ऐसा ऐसी बातों पे भरोसा करना जिसका कोई बेस ना हो, ठीक है, किसी भी इंसान को लेके, किसी भी जगह को लेके, किसी भी व्यक्ति, किसी भी खाना, किसी के भी कपड़े को लेके, बस उसको देख करके मन में कोई ओपिनियन बनाना जिसका कोई बेस ना हो, किसी का कोई सर पैर ना हो, कहते ना बे सर पैर की बात मत करो, तो ऐसा बिलीव, ऐसा खुद में यकीन करना जिसका कोई बेसिस ना हो, या हम लोग प्रीजुडाइस का मतलब कह सकते हैं किसी के प्रति किसी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, या कह सकते हैं किसी का माइंडसेट क्या है तुमको लेकर के, वो होता है प्रीजुडाइस, या फिर एटीट्यूड, तुम्हारे तरफ वो जेस्चर। लेकिन इन सब पॉइंट में एक पॉइंट अलग है, इनजस्टिस, ठीक है, गलत, इनजस्टिस जिसको हम लोग कहते हैं ना, प्रीजुडाइस का मतलब होता है इनजस्टिस। लेकिन बच्चों प्रीजुडाइस का मतलब होता है ऐसा बिलीव करना जिसका कोई बेसिस ना हो, ठीक है, बिना किसी सर पैर की बात पे यकीन करना, या बस देख करके यकीन करना कि वो वैसा इंसान होगा, वो लीड करता है इनजस्टिस में, ठीक है। ये एक टर्म है जो प्रीजुडाइस से रिलेट करता है, आप कह सकते हो उसके एडजेक्टिव है, जैसे मैं आपको लोगों को ये समझाऊंगी आपको समझ आएगा कि मैम ने यहाँ पे इनजस्टिस वर्ड क्यों यूज किया है, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड विद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, द बायस और अनफेवरेबल ओपिनियन फॉर्म्ड अबाउट समवन विदाउट एनी रीजन इज कॉल्ड प्रीजुडाइस। प्रीजुडाइस का क्या एक्सप्लेनेशन है, द बायस, बायस मतलब होता है बच्चों पार्शियली, ठीक है, पार्शियली कह सकते हैं, ठीक है, या ऐसा बिलीव जो एक तरफा हो, ऐसी बातें जो एक तरफ रखी, पार्शियली सिर्फ एक तरफ की बात को ध्यान सुन करके किसी के बारे में ओपिनियन बनाना, या अनफेवरेबल ओपिनियंस मतलब किसी के बारे में गलत सोचना, अबाउट समवन विदाउट, बिना किसी वजह की किसी के लिए पार्शियली सोचना या किसी के लिए गलत सोचना क्या कहलाता है, प्रीजुडाइस कहलाता है, ठीक है, इसको हम लोग प्रीजुडाइस कहते हैं। कैसे कहते हैं, क्यों कहलाता है, व्हेन वी फॉर्म सम नेगेटिव ओपिनियंस, जब हम किसी के बारे में कुछ गलत ओपिनियन अपने दिमाग में रखते हैं, कोई गलत धारणा बनाते हैं कि वो इंसान वैसा है, जैसे गलत धारणा कैसे बन सकती है,
किसी का खाना आपको पसंद नहीं है, किसी की लैंग्वेज अलग है, कोई आपसे ज्यादा खूबसूरत है, कोई आपसे ज्यादा टॉल है, या कोई अगली है, या कोई छोटा है, आपसे ज्यादा टॉल नहीं छोटा है, तो हम क्या कहते हैं उसके लिए? हम नेगेटिव ओपिनियन बनाते हैं अबाउट पीपल। बिकॉज क्यों बनाते हैं? बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे अलग है। हम जैसे हैं वो हमारी तरह नहीं, वो हमसे अलग है। वी आर सेट टू बी प्रीजुडाइज अगेंस्ट देम। उस वक्त क्या कहलाते हैं कि हमारे साथ प्रीजुडाइज हुआ, मतलब इनजस्टिस हुआ है अगेंस्ट देम। अब आपको समझ आया इनजस्टिस का मतलब? जब हम किसी के बारे में गलत धारणा बनाते हैं बिना उस इंसान के बारे में कुछ जाने। जस्ट क्यों बनाते हैं? क्योंकि बस वो हमसे अलग है, जैसे हम है वो हमारे जैसा नहीं है। तो क्या कहलाता है कि उस इंसान के साथ प्रीजुडाइज हुआ, मतलब गलत हुआ, इनजस्टिस हुआ। यहाँ पर हम नेगेटिव धारणा बना रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू बनाए हमने, बिलीफ विदाउट बेसिस बनाया, उसके बारे में बिना कुछ जाने हमने कुछ सोचा, हमने पार्शली एक व्यू बनाया और उस इंसान को वैसा कह दिया। ठीक है, अक्सर बच्चों प्रीजुडाइज क्या होता है ना, एक तरफा होता है, अजम्पशन पे होता है, प्रायर अजम्पशन, मतलब सबसे पहला, जैसे कि आपके सामने कोई इंसान गुजर रहा है, ठीक है, आप सड़क पे जा रहे हो, आपकी सड़क से कोई आपके सामने से कोई इंसान गुजर रहा है, जिसके पास हो सकता है जिसके हाथ में बहुत ज्यादा ब्रेसलेट्स हो या बहुत ज्यादा कट्स हो, राइट, या बहुत उसके हाथ में बहुत कुछ ऐसे रिंग्स हो जो उसे एक क्रिमिनल की जैसा लुक। तो उस टाइम आप क्या धारणा बनाते हो उसे देख के? अरे ये ऐसा दिख रहा है, जरूर कोई क्रिमिनल होगा उसके पास। अगर आपको उसकी शर्ट गंदी तो ये इंसान गंदा होगा, नहाता नहीं होगा। तो आप क्या कर रहे हो? उस इंसान का सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन देख रहे हो और आप एक धारणा बना रहे हो उसके बारे में, एक गलत धारणा जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई बेसिस नहीं, कोई सर पैर नहीं, बिकॉज यू डोंट नो दैट पर्सन, क्योंकि आप उस इंसान को नहीं जानते, फिर भी आपने उसके बारे में एक व्यू बनाया। तो उस वक्त क्या हुआ? आपने प्रीजुडाइज किया और उस इंसान ने क्या सहा? प्रीजुडाइज सहा। ठीक है, आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया जो कि उसके उसके बिहाफ में क्या था? इनजस्टिस था। ठीक है, इसी तरह जब कोर्ट भी क्या करती है ना, सिर्फ एक पक्ष की बात सुन के फैसला सुनाती, तो वहां पे कहा क्या कह रहा था? आपने प्रीजुडाइज, दैट पर्सन इज प्रीजुडाइज, मतलब उस पर्सन के साथ इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, प्रीजुडाइज इट एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज। प्रीजुडाइज हर सोसाइटी में होता है, फिर चाहे वो सबसे नीचे लेवल की सोसाइटी हो, सबसे ऊंचे लेवल की सोसाइटी हो, या फिर मिडिल वर्ग, हम मिडिल क्लास की सोसाइटी हो, हम भी क्या करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, हम किसी भी दूसरे इंसान को, किसी भी दूसरे शख्स को देखते हैं, हमें वो हमारी तरह नहीं लगता, कुछ हमसे अलग होता है, हम उसके बारे में बस देख के, सोच के, बस उसे देखते हैं, हम एक धारणा बना लेते हैं कि अच्छा वो इंसान वैसा होगा। हमें पता ही नहीं, हम उस इंसान के बारे में कुछ नहीं जानते, बट हमारा माइंडसेट ऐसा, हम उसके बारे में एक माइंडसेट बना लेते हैं, वो अच्छा है कि बुरा, इससे कोई मतलब नहीं कि वो एक्चुअल में अच्छा है कि बुरा। ठीक है, सो प्रीजुडाइज क्या करता है? ये डिस्क्रिमिनेशन को कैसे लीड करता है बच्चों? क्योंकि हम यहाँ पे जो भी पॉइंट्स पढ़ेंगे वो डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर बनेगा, कुछ ऐसी बातें जो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है, ठीक है, अलगाव को। इट डिवाइड्स पीपल। प्रीजुडाइज क्या करता है? लोगों को बांटता है। ऑब्वियसली लोगों को बांटेगा ही ना, आप अपने आप जब भी, बहुत लोग क्या करते हैं ना, दोस्ती भी अगर फ्रेंडशिप भी कर रहे हैं ना, तो अपनी तरह के लोगों में फ्रेंडशिप करेंगे। कई बार क्या होता है, जो गरीब होते हैं अमीर लोग उनसे फ्रेंडशिप नहीं करते, जो अगले होते हैं ब्यूटीफुल लोग उनसे फ्रेंडशिप नहीं करते, जो ज्यादा पढ़ने में अच्छे होते कम पढ़ने वाले उनसे फ्रेंडशिप नहीं करते। आई नो आप लोगों ने, आई डोंट नो, अगर आप लोगों ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक मूवी देखी है कि उसमें रिच बच्चे अलग, गरीब बच्चे अलग, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें बाटा का नाम दिया जाता है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे रिच उन्हें टाटा का नाम दिया जाता है, राइट। तो वहां पर भी क्या हुआ, लोगों में डिविजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ वो क्या है, क्या नहीं है, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, इस वजह से वहां पे लोग बढ़ गए और उससे क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। हम साथ रहने के आदि हैं, हमें साथ होना चाहिए, वी हैव टू बी यूनाइटेड, लेकिन हम यूनाइटेड नहीं है क्योंकि हम अलग हैं, इसलिए हमें छांट दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए प्रेजुडाइस ने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दिया। किस तरह से? डिस्क्रिमिनेशन कहीं पे भी हो सकता है बच्चों, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इग्नोरेंस, अगर आपको कोई इंसान दिख रहा है कि वो इंसान कुछ कर रहा है, ठीक है, वो अच्छा है कि बुरा आपको नहीं पता, लेकिन आप उसकी अच्छाई को इग्नोर करके उसकी बुराई पे अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा रखोगे, तो आप उसकी अच्छी बातों को इग्नोर करके बुरी बात अगर करोगे तो आप प्रीजुडाइस वाला फैक्टर अपनाते हो। जनरल सोशल फोर्सेस, बहुत सारे सोशल फोर्सेस होते हैं कि जो उन्हें अप्लाई नहीं करते। अब जैसे कोई लड़की है, ठीक है, अब कोई लड़की की अगर एक बार शादी टूट जाती है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल उसकी मैरिज, उसकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई, टूट गई, गॉड नोस कुछ भी मजा हो सकती है, सोसाइटी क्या करती है, उसे डिस्क्रिमिनेट कर देती है, इक्वल लेवल पे उसे रहने नहीं देती,
हमारी सोसाइटी बहुत मॉडर्न हो चुकी है अग्री, बट अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ सोसाइटी मॉडर्न नहीं हुई है, जहाँ अभी भी प्रीजुडाइज होता है, जहाँ लोग एक तरफा बात जान करके कि हमारे समाज में ऐसा नहीं होता, कुछ सोशल फोर्सेस उस लड़की को प्रेशराइज करते कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ना जिए, जैसा सोसाइटी चाह रही वैसा जिए, ठीक है। एंड डिफरेंसेस, डिफरेंस अलग होना, मेजॉरिटी और मिनोरिटी सबसे बड़ा रीजन है इस डिफरेंस का, ठीक है, क्योंकि हम किसी से अलग है हमें छाड़ दिया जाता है, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ओके, सो ये था प्रीजुडाइस। सेकेंड फैक्टर क्या है बच्चों, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब होता है, स्टीरियोटाइप का एक लमसम सागर एक आप लोगों को मैं बताऊं डिस्क्रिप्शन, तो कैटेगराइज, सब चीज को एक बार एक थाली में लपेटना, ठीक है, अलग अलग किसी चीज को नहीं देखना। अगर कुछ गलत है तो अगर किसी एक इंसान ने गलत किया तो सभी इंसान को गलत समझना, वो वाला फैक्टर होता है ना, उसे कहते हैं स्टीरियोटाइप पीपल, ठीक है। जैसे कि अगर आप अपने स्टूडेंट लाइफ में ही देख लो, कुछ बच्चे अच्छे होते कुछ बुरे होते, कोई क्लास सक्सेसफुल होता कोई अनसक्सेसफुल होता, वो क्लास सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल नहीं होता, उस क्लास में कुछ बच्चे होते जो अच्छा परफॉर्म करते, किसी क्लास में कुछ बच्चे जो गलत परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, क्लास 7 जो है ना बहुत अच्छा क्लास है, वहां के बच्चे शरीफ है, पूरा क्लास का बच्चे शरीफ नहीं है, सभी टीचर जानते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे शरीफ है हमने सबको एक थाली में डाल दिया कि बच्चे शरीफ है। क्लास 7 के सभी बच्चे बदमाश नहीं है, कुछ बच्चे बदमाश है, सॉरी 6 के, तो हमने क्या किया, क्लास 6 के सभी बच्चों को बदमाश का नाम दे दिया, तो हमने इंडिविजुअली किसी के बारे में नहीं सोचा, वही होता है स्टीरियोटाइप, ठीक है। दे आर द पीपल कीपिंग अ फिक्स इमेज ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियस कास्ट जेंडर वेल्थ लैंग्वेज एक्सेट्रा। स्टीरियोटाइप उस तरह के लोग होते हैं जो अपने दिमाग में एक फिक्स इमेज बना लेते हैं लोगों की या ग्रुप ऑफ पीपल की, किस बेसिस पे, किसी कास्ट पे, किसी रिलीजियस पे, किसी जेंडर पे, कभी वेल्थ पे, कभी लैंग्वेज पे, ठीक है, वो होते हैं स्टीरियोटाइप। वो हर इंसान को एक तरह से, अगर कोई एक ग्रुप का आदमी कुछ गलती किया तो उस पूरे ग्रुप को वो क्रिमिनल समझेंगे, ये होता है स्टीरियोटाइप, सबको एक जैसा समझना। जैसे कि बॉयज आर नॉटी एंड गर्ल्स आर जेंटल, एक बात होती है ना कि बॉयज, लड़के ज्यादा बदमाश होते हैं, लड़कियां अच्छी होती हैं, ये क्या है, स्टीरियोटाइप है, कुछ लड़के बदमाश होते हैं, इस वजह से पूरा एक फ्रेज बन गया, बॉयज आर नॉटी एंड गर्ल्स आर जेंटल, गर्ल्स भी बहुत बदमाश होती है, आई अग्री विद दैट, ठीक है, लेकिन क्या है, ये एक स्टीरियोटाइप बन गया। गर्ल्स मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं कर सकती और बॉयज रोते नहीं, लड़के रोते नहीं है और लड़कियां कभी मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं कर सकती, अरे यार अच्छे से अच्छी जाके बाहर देखो, लड़कियां मैथ्स में बहुत एक्सपर्टीज है, जीनियस है, क्योंकि वो लड़की है, एक धारणा बना दी गई कि बहुत कम लड़कियां हैं जो मैथ्स में अच्छा करती, ज्यादातर लड़कियां अच्छा नहीं करती, इसलिए लड़कियों को पूरा एक ग्रुप को क्या कर दिया गया, लड़कियां मैथ्स नहीं पढ़ सकती। बहुत सारे लड़के हैं जो रोते हैं हर छोटी छोटी बातों पर, रोते क्योंकि जो स्ट्रांग लड़के होते हैं वो नहीं रोते कि मेरी मर्दानी पे दाग लग जाएगा, तो क्या हुआ, पूरे बॉयज को एक ग्रुप में डाल दिया गया। इस तरह की बातें क्या करती, इस तरह की और भी बहुत सारी बातें, फॉर एग्जांपल जेंडर पे भी स्टीरियोटाइप, कभी कभी उनका बेसिक क्या होता है, जेंडर होता है, जाति, लड़की लड़का, मर्द औरत। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को अगर टॉय दिया जाएगा तो बारबी डॉल दिया जाएगा खेलने के लिए, लेकिन अगर लड़कों को खिलौना दिया जाएगा तो कार, मोटरसाइकिल, बाइक दी जाएगी। लड़कियों को कहा जाता है कि तुम्हें सॉफ्ट होना चाहिए, धीमी आवाज में बात करना चाहिए, और लड़के रफ एंड टफ हो सकते हैं और चिल्ला चिल्ला के बात कर सकते हैं, ये क्या जेंडर है। तो स्टीरियोटाइप ने क्या किया, एक लड़की यहाँ पर वो लोग किसी को इस तरह से जज नहीं करते कि वो अलग है उनसे, नहीं, पूरे ग्रुप को जज कर दिया गया ना, तो जेंडर पे भी लड़कियों और लड़कों को अलग कर दिया गया। दे डिडंट रिकॉग्नाइज ईच इंडिविजुअल इज यूनिक एंड स्पेशल क्वालिटीज। वो स्टीरियोटाइप जो लोग होते हैं वो किसी भी एक इंसान को यूनिक है और वो खुद में एक स्पेशल क्वालिटी, हर इंसान अपने आप में यूनिक है और उसके अंदर एक खास बात है, लेकिन स्टीरियोटाइप इस बात को नहीं समझते, वो हर किसी को एक थाली में लपेटते हैं कि सभी एक जैसे हैं। तो स्टीरियोटाइप क्या होते हैं, वो रिकॉग्नाइज नहीं करते कि हर इंसान खुद में खास है और उसमें एक अलग क्वालिटी होती है, राइट। यहाँ तो था जेंडर, कभी कभी रिलीजियस में भी वो कर सकते हैं, समटाइम्स दे क्रिएट अबाउट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन और रीजन। वो लोग कभी कभी स्टीरियोटाइप एक पर्टिकुलर रिलीजियस में भी डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात करें, विच इज वेरी कॉमन, आप लोग सबको पता, डोंट थिंक दैट कि मैम मुस्लिम की बात कर रही है, ये आपके बुक में भी ऑब्वियसली लिखा होगा, मेंशन किया होगा, मुस्लिम कम्युनिटी अगर हम बात करें स्टीरियोटाइप की, वो रिलीजियस में किस तरह ला सकते हैं, कुछ मुस्लिम ऐसी फैमिलीज होती है जो अपने लड़कियों को हायर एजुकेशन नहीं देती, कुछ मुस्लिम फैमिली,
बट उन कुछ मुस्लिम फैमिली की वजह से स्टीरियोटाइप जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरे मुस्लिम फैमिली को, आज भी अगर आप बात करोगे तो होगा कि मुस्लिम फैमिली में लड़कियों को आगे पढ़ने की इजाजत नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, जस्ट बिकॉज कि कुछ मुस्लिम फैमिली में ऐसा होता है वो पूरी कम्युनिटी इस तरह से बदनाम होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कम्युनिटी है जो गरीब है, कोई कास्ट है जो गरीब है, उन्हें क्या उस पूरी कम्युनिटी को गरीब कम्युनिटी कहा जाएगा, ये गंदे है इस तरह से उस तरह से, पूरी कम्युनिटी को वैसे देखा जाता है क्योंकि उस कम्युनिटी के कुछ लोग गरीब है, ऐसे जरूरी नहीं, एक कम्युनिटी को भी वो लोग ग्रुप वाइज बांटते हैं। ये स्टीरियोटाइप कैसे डिस्क्रिमिनेट करती है, उसके बाद सच स्टीरियोटाइप हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स एंड कैन रिजल्ट इन मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर जो लोगों ने जो काम नहीं किया, इस तरह के स्टीरियोटाइप क्या करते, बाकी की भावनाओं को हर्ट करते हैं, डैमेज करते हैं और उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आप मेरे बारे में बुरा बोलोगे और मेरे साथ साथ उस ग्रुप को, मेरी ही कॉम को बुरा बोलोगे बार बार, ऑब्वियसली मुझे हर्ट होगा, मेरे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी और मैं आपके खिलाफ फिर बोलने लगूंगी। अगर हम किसी एक इंसान की वजह से पूरे उसके ग्रुप को, पूरे उसके कास्ट, पूरे रिलीजियस को रोन दे, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए गलत धारणा बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दो रिलीजियस के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में, दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब होता है बच्चों डिस्प्यूट्स, ठीक है, डिस्प्यूट्स मतलब होता है भेदभाव या मनमुटाव, ठीक है, लड़ने वाला जो होता है मनमुटाव, एक दूसरे से नाराज होना, जो दो भाई बहनों के बीच में भी होता है। तो वो क्या होता है, इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फैमिलियां कभी भी अच्छी नहीं होती। गलत फैमिली क्या करती है, दो ग्रुप्स में, दो कम्युनिटीज में, दो रिलीजियस में कॉन्फ्लिक्ट्स ले आती है और इसकी वजह से हम एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये था आपका क्लास का आज का टॉपिक, हमारा प्रेजुडाइस और स्टीरियोटाइप। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ आ गया हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों विथ योर न्यू टॉपिक। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया है, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी ऑन दैट कमेंट सेक्शन, मैं वहां पे हेल्प करने की आपकी पूरी मदद करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बार बार इसको पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, बहुत इजी टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग कल मिलते हैं, टिल देन स्टडी हार्ड, बी सेफ, बाय।